हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक एफएफ केबल का ग्लाइंड करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे ग्लाइंड होता है। और ये हमारा केबल है, एफएफ केबल है, इसका साइज है 18AWG और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हाफ इंच NPT ग्लाइंड। ये मेरा हाफ इंच NPT ग्लाइंड है। अभी आप देखिए कैसे ग्लाइंड होता है। तो हमारे सामने ये फैयाज भाई हैं, देखिए ग्लाइंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मार्किंग ले लेंगे जहाँ से हम लोग को केबल को ग्लाइंड करना है, जितना पार्ट अंदर रखना है JB में चाहे हम लोग इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। और ये मार्किंग कर लिया। फ्रेंड्स देखिए, अब ये यहाँ मार्किंग पे हमारा ये मार्किंग है, यहाँ आर्मर को हम लोग कट कर दिए हैं। अब इसका इंसुलेशन हम लोग आउट करेंगे, इसका इंसुलेशन आउट करेंगे। अब देखिए ये आर्मर को हम लोग आउट कर लेंगे। आर्मर को ये आउट कर लिया। फ्रेंड देखिए, जिस ये हमारा केबल जिस साइज का है उसी साइज का हम लोग श्राउड का अपर पार्ट को कट करेंगे और केबल के अंदर डालेंगे। ये हमारा कटिंग हो रहा है। और इसको हम लोग केबल के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका 2 cm इंसुलेशन रिमूव करेंगे, क्योंकि ये आर्मर जाके हमारे कोन और रिंग में क्लैंप होगा और हमारे ग्लाइंड को होल्ड करेगा। तो हमारे देखिए यहाँ पे 2 cm, 1 cm, 2 cm हम लोग कट करते हैं इस आर्मर को क्लैंप में जाके क्लैंप करने के लिए ग्लाइंड में। देखिए हम लोग ये इंसुलेशन 2 cm रिमूव कर दिए हैं। अब आर्मर के लिए हम लोग बैकनट को डालेंगे आर्मर के ऊपर, जो हमारा ये बैकनट हो गया। अब इंटरमीडिएट नट को हम लोग उसके साथ अटैच करेंगे। फिर हमारा आएगा कोन और रिंग आएगा, जो आर्मर को क्लैंप करेगा, कोन और रिंग। ये हमारा आ गया कोन। अभी क्या, हम लोग थोड़ा सा आर्मर को फैलाएंगे, उसके अंदर कोन जाएगा और ऊपर से आके जो हमारा क्लैंपिंग रिंग है वो क्लैंप करेगा। फिर हमारा आएगा ये, इसमें देखिए हम लोग का ये इनर सील रबड़ है। उसके बाद हमारा ये आता है, हमारा ये नट है, ये ग्लाइंड नट है। ये सब हो गया। देखिए ऐसे अब हम लोग इसको टाइट करेंगे। ये हमारा मेल पार्ट है और नीचे वाला फीमेल पार्ट है। अब ये दोनों को अटैच करेंगे। थोड़ा ये टाइट रहता है, अंदर में इनर रबड़ है, सील रबड़ है, इसके वजह से थोड़ा सा टाइट जाएगा। सीधा रखना पड़ता है, उसके बाद हमारा ये एक दूसरे पे चढ़ता है। हेलो फ्रेंड, ये देखिए मेरा ये हाफ इंच NPT ग्लैंड है, जो 24 के स्पिनर से मैंने टाइट किया था। अब ये देखिए इसका जो कोन नट है और उसके ऊपर से रिंग है, ये आर्मर को पूरा लॉक कर दिया है, जो पंच हो गया। अब हम कितना भी इस केबल को बैक खींचेंगे या ये इससे बैक नहीं आएगा। अब हम इसका असेंबल करने जा रहे हैं। तो ये मेरा इंटरमीडिएट नट है और ये मेरा ग्लाइंड नट है। तो इसको एक दूसरे में हम टाइट करते रहे, इस तरह हम टाइट करते हैं। इसको प्रॉपर स्पिनर से ही टाइट करें, जो 24 का इसका स्पिनर आता है, हाफ इंच NPT ग्लैंड है। तो इसको हम फुल टाइट स्पिनर से करने के बाद इसका हम सेलिंग नट को हम फिर से टाइट करेंगे। तो इसका सेलिंग नट टाइट कर रहे हैं। ये प्रॉपर टाइट हो जाने के बाद ये केबल के सेफ्टी के लिए है, केबल के प्रोटेक्शन के लिए, केबल को कहीं बैक नहीं घूमने देगा या कहीं भी ट्विस्ट नहीं होने देगा। ये हो गया कम्प्लीट मेरा फुल टाइट। उसके बाद जिस साइज का मेरा ये NPT थ्रेड है, इस साइज का ही मुझे JB के अंदर या पैनल के अंदर प्लेट में होल करना है। होल करने के बाद इस ग्लैंड को उठाने से पहले है मुझे IP वाशर नीचे में डालना है, जो प्लेट के नीचे रहेगा ये IP वाशर। अभी ग्लैंड उठा देने के बाद ऊपर से मुझे ये इसका ग्राउंडिंग प्लेट डालना है।
ये ग्राउंडिंग प्लेट डाल दिए। उसके बाद इसका चेकनेट ऊपर से लॉक करने के लिए इसका चेकनेट डालना है। चेकनेट डालने के बाद इसको प्रॉपर फुल टाइट कर देना है। ये मेरा टाइट हो गया फुल। उसके बाद ये ग्लैंड प्रोटेक्शन के लिए मुझे इसका जो स्लॉट है वो उसको मुझे चढ़ा देना ऊपर से ग्लैंड के प्रोटेक्शन के लिए। ये मेरा देखिए कंप्लीट ग्लैंड हो गया है फ्रेंड्स। ये हमारा FFJB है, फाउंडेशन फिल्ड JB। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें कैसे ग्लैंड होता है, यही ग्लैंड होल्ड कैसे होता है। ये रहा, ये मेरा ग्लैंड है, ये देख रहे हैं ये ग्लैंड है, और ये मेरा ऊपर से हम लोग देखते हैं ये चकनट के थ्रू होल्ड हुआ हुआ है। ये हमारा केबल जाके टर्मिनेशन हुआ है। अब ग्लैंड का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि ये हमारे टर्मिनेशन को पुल आउट नहीं होने दे और टर्मिनेशन को हम लोग का प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा, हमारे इस JB में जो अंदर ग्लैंड हुआ है इसके अंदर ना आए वाटर जाए, ना किसी तरह का गैस इनसाइड जाए, ना डस्ट जाए, उसके लिए हमारा ग्लैंड यूज होता है।